अगर आपके एडेनियम पे फूल नहीं आ रहा है या कॉर्डेक्स गल रहा है और कॉर्डेक्स मोटा नहीं हो रहा है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि एडेनियम पे फूल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लें, कॉर्डेक्स को गलने से बचाएं और उसे मोटा कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। फूल कॉर्डेक्स को गलने से बचाने के लिए आपकी मिट्टी कैसी हो ये डिपेंड करता है। सॉरी बात कि आपकी मिट्टी बेल ड्रेन होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कि मिट्टी कैसे बनाएं। तो हमने साफ सुथरी अच्छी मिट्टी ले ली है और ईंटे की सुर्खी, जो ईंटे को पिसाई करके या भट्टी पे से निकलता है, और साफ़ सुथरी बालू और गाय की 1 से 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद, बालू से निकलने वाले छोटे कंकड़ पत्थर और चारकोल, लकड़ी का चारकोल। अब हम लेंगे 1/2 चम्मच पोटास, 1/2 चम्मच सीबीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 1/2 चम्मच एनपीके। अब हम इसको मिलाएंगे। चालीस परसेंट के करीब मिट्टी लेना है, 25% के करीब बालू लेना है, 25% के करीब ईंटे की सुर्खी और गाय के गोबर की खाद 10%, जो कि 1.5 साल पुरानी हो तो बहुत अच्छा है और सड़ी होनी चाहिए। आप कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। चारकोल जो वायरस को मारने में मदद करे और पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करके रखता है, इसीलिए हम चारकोल का प्रयोग करेंगे। अब इसको अच्छे से एकदम प्रॉपर इसको मिलाते हैं। अगर आपका पॉट गहरा हो तो आप छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल सकते हैं या ईंटे के छोटे छोटे कंकड़। अब हम डालेंगे इसमें एनपीके, सीवीड और पोटास। ये आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें हम डालेंगे एंटी फंगल पाउडर यानी साफ पाउडर, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो हल्दी पाउडर जो घर में होता है या दालचीनी का पाउडर आप डाल सकते हैं। अब इसको फिर से हम प्रॉपर अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारी मिट्टी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको रिपोर्ट करते हैं। गमला ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए,
नहीं होने, ताकि ये कॉर्डेक्स इसका सड़ जाता है, पानी इसमें अगर रुकेगा तो कॉर्डेक्स सड़ जाएगा। पहले हम बीच में रख के देख लेंगे कि सही से बैठ रहा है या नहीं, उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं। गमले में ड्रेनेज होल होना बहुत आवश्यक है ताकि पानी निकल सके, एक्स्ट्रा वाटर जो भी हो। हम पहले एक गमले के टुकड़े से ड्रेनेज होल को कवर करेंगे, फिर हम छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल देंगे ताकि ड्रेनेज अच्छा हो, पानी दम डालते के साथ नीचे से निकल जाए। थोड़ा और हम डाल लेते हैं। अब 1 इंच के करीब हम मिट्टी भरेंगे। अब हम पेड़ को लगाएंगे बिना इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि अभी बहुत गर्मी का मौसम है, मई का महीना है, तो इसको रूट बॉल को तोड़ना नहीं है। अगर आप फरवरी में लगाएंगे तो इसकी मिट्टी को थोड़ा झाड़ लें उसके बाद लगाएं, क्योंकि नर्सरी का मिट्टी थोड़ी चिपचिपी दोमट मिट्टी होती है, इसीलिए। अब हम पौधे को बैठा करके अब हम पूरा मिट्टी भर देंगे। आप मिट्टी देख सकते हैं, एकदम मिट्टी भुरभुरी बनी है जिसमें पानी बिल्कुल ही ना रुके ताकि कॉर्डेक्स हेल्दी रह सके और सड़े नहीं। थोड़ी मिट्टी डाल के बैठा लेंगे ताकि पेड़ अच्छे से सेटल हो जाए, और हमें अब पानी इसे 2 दिन के बाद थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और 2 दिन के बाद हम इसमें पानी देंगे। अभी पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और पानी इसमें बहुत कम पड़ता है, यानी आप एक हफ्ते में 2 बार दें अगर थोड़ा नर्म मौसम है तो। अगर गर्मी का मौसम है तो मिट्टी चेक करके ही दें, अगर मिट्टी गीला है तो नहीं देंगे पानी। पूरे 2 दिन बाद आज हम इसमें पानी देंगे। ये मेरे कुछ नर्सरी से लाए हुए पौधे हैं जो मैंने रिपोर्ट किए हैं। मैंने इसको प्रून कर दिया था, इसी कारण अभी इसमें फूल नहीं आया, अभी इसमें नए नए स्प्राउटिंग ले रहा है। ये 6 महीने का पेड़ है, छोटा छोटा, जो मैंने नर्सरी से 50 रुपये में लिया था, और उसी 2 पेड़ पर मैंने ग्राफ्ट भी किया है और जो सक्सेसफुल है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा। टाइम पानी देंगे, इसीलिए हम थोड़ा साफ पाउडर पानी में मिला लेंगे या हल्दी पाउडर, उसके बाद हम पानी देंगे। आधा चम्मच के करीब हमें साफ पाउडर लेना है, और उसको हम 2 लीटर पानी में घोलेंगे और इसको अच्छे से घोल लेंगे। Thank you.
अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा आगे मिलते रहें। अब हम इसमें अच्छे से पानी देंगे, जब तक कि नीचे से पानी नीचे से ड्रेन आउट ना हो जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।